दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फ्रेंड्स, मैं बीओडी की बात करने से पहले ये बताऊंगा कि जो हमारा वेस्ट वाटर होता है एसटीपी का, उसमें क्या क्या चीज़ होती है और हमें क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो हमारे जो वेस्ट वाटर का सैंपल होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो हम लोग एसटीपी का वेस्ट वाटर होता है वो ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड, पूरा ऑर्गेनिक मैटर होता यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें इनऑर्गेनिक मैटर से कोई मतलब नहीं होता बीओडी के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, इसमें हमारा जो डब्ल्यूसी का हमारा वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक क्या होता है, जो पब्लिक सीवेयर से जो पानी आता है, ठीक है, केमिकल्स आते हैं, जो भी पाउडर्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स वाले, वो इनऑर्गेनिक मैटर में आते हैं। कहने का मतलब है, हमारा ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल एसटीपी के बीओडी के लिए। ठीक है, अब क्या क्या वो तीन पॉइंट्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला तो होता है वाटर सैंपल। ठीक है, वाटर सैंपल हम लेते हैं 300 ml या फिर 1 लीटर का। सर्टेन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। टाइम कितना लगता है, 3 दिन और 5 दिन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, 30-25, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों। फ्रेंड, ये मैंने जो दो चीज़ लिखी है, ठीक है, ये दो चीज़ लिखी है ना, ये क्या होता है, एक हमारा होता है स्टैंडर्ड होता है 30-25, ये बीओडी के अंदर ही आता है। ठीक है, बीओडी होता क्या है, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशन एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी भी वेस्ट वाटर के सैंपल में बैक्टीरिया द्वारा उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको हम लोग बीओडी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नॉर्मल जो बीओडी हम लोग करते हैं वो सबसे जो अच्छा बीओडी होता है, सैंपल होता है, वो 5 दिन वाला होता है। 5 दिन का हम लोग जो सैंपल रखते हैं तो उसमें 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं और पानी कितना रखते हैं, 1 लीटर। ठीक है, 300 ml भी रख सकते हो, लेकिन जो नॉर्मली होता है वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ मैंने एक इमेज बनाई हुई है। ठीक है, ये है वाटर बॉटल की। जो हमारा बीओडी टेस्टिंग के लिए स्पेशली बनाई गई है, ठीक है, जो वाटर बॉटल, इन बीओडी पोर्टल्स में होता क्या है, जो वाटर का सैंपल होता है, ठीक है, उसको इसमें डाल दिया जाता है इस बॉटल में। ठीक है, और फिर 3 से 5 दिन के लिए एक टेम्परेचर पे सेट करके छोड़ दिया जाता है, जो भी आप करना चाहो, 3 दिन वाला करना चाहो या 5 दिन वाला करना चाहो। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं 3 से 5 दिन के लिए लैब में। फिर उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज ऑक्सीजन निकालते हैं उसमें। ये क्या होता है, ऑक्सीजन का वेट अपॉन वॉल्यूम वाटर सैंपल इंटू 100। ये भी जो फॉल करने पे जो भी आएगा, इसको अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ppm में आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, हमारा जो बीओडी की लिमिट होती है वो हमारी लिमिट होती है, जो हम पानी जमीन पे फेल जो जमीन पे डालते हैं उसका बीओडी जो होता है लेस देन 30 ppm होता है। पब्लिक सीवर के लिए क्या होता है, लेस देन 350 होता है, और इरिगेशन के लिए लेस देन 100 ppm। ये फिट किया है भाई गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसको फॉलो करते हैं हम लोग। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।